डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित ग्राम पंचायत सुबखरी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय लालमणि प्रसाद जी, जो इसी क्षेत्र के बस्ती जनपद हुआ करता था और हमारी लोकसभा बस्ती हुआ करती थी, यहाँ से ये पूर्व सांसद का प्रतिनिधित्व किए हैं। मैं इनका भी मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूज्य भिक्षु सुमन जी, मैं आदरणीय राम जियाउन बौद्ध जी, ब्रजेंद्र मणि जी, अनिल कुमार जी, आनंद राव जी, अशोक कुमार जी, गिरजेश कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी, विशाल राव जी, विशंबर नाथ एडवोकेट जी, शिव शरण जी, देवेंद्र मास्टर साहब, डॉक्टर जोगिंदर जी एवं हमारे अभिभावक के रूप में आदरणीय श्री सुधाकर प्रसाद नायक जी, इस कार्यक्रम की सफल संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय लालजी प्रसाद जी, मैं आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं सभी लोगों का मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं एवं ग्राम पंचायत शिवबखरी से आए हुए समस्त सम्मानित जनता एवं दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग मातृत्व शक्ति एवं मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे पौड़ी के चौकी इंचार्ज महोदय और उनके सहयोगियों का मैं आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं इन महापुरुष का। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के जोहू नामक गांव में पैदा हुए थे और 6 अप्रैल 1956 को इन्होंने शरीर त्याग दिया। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये देन है कि जो आज भारत की जो भी संरचना है, संविधान जो है, संविधान निर्माता, संविधान संरक्षक जो भी आज आप देख रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों, शोषित समाजों के लोगों से कहा था कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। मैं मित्रों कहना चाहूंगा कि भारत की संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो स्थान 1951 के आम चुनाव से लेकर के 1998 तक स्थान नहीं मिला था, बीच में कांग्रेस शासित सरकारों से लेकर के तमाम सरकारें थी, लेकिन इस हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई मूर्ति नहीं थी, चित्र नहीं लगा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जब इस भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ स्थान की घोषित किया है। डॉक्टर साहब जिस स्थान पर पैदा हुए हैं, जहाँ इन्होंने शिक्षा लिया है, जहाँ इन्होंने दीक्षा लिया है, उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पर्यटक के रूप में स्थान दिया है। मैं मित्रों ज्यादा ने कुछ करके इतना कहना चाहूंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी की वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मित्रों, मैं यहाँ आए हुए समाज के सभी दबे कुचले लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को
मात्र शिक्षित करने का काम करें। अगर एक दिन में 300 की दिहाड़ी पाते हैं तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग उसमें से 200 रुपया बचा करके अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दें। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।